मुद मंगलमय सन समाज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से आए हुए सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और इस कार्यक्रम का लाइव देख रहे भक्त सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के मिल जाने पर जीवन में क्या परिवर्तन आता है यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हर जिन्हें गुरु मिल गए हैं, जो गुरु की शरण में हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, उन सब का अनुभव है कि गुरु के मिल जाने पर जीवन में और मन में क्या परिवर्तन होता है, क्या है मन की जलन कैसे और कितनी मिट जाती है। गुरु असंख्य होते हैं, वस्तुतः आज जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वह गुरु पूर्णिमा नहीं अपितु सदगुरु पूर्णिमा है। गुरु तो असंख्य हैं, जीवन में अगणित गुरु होते हैं हमारे, लेकिन सदगुरु अगणित नहीं होते, सदगुरु एक होते हैं जो हमारे हमें असंख्य गुरु मिले। उन सब गुरुओं का भी उपकार हमारे जीवन पर है, उनसे हम उपकृत हैं और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तब और गुरु मिलते हैं तब अंतर क्या होता है? गुरु के मिलने पर मन की जलन समाप्त नहीं होती है, मन की जो जलन है, मन की जो पीड़ा है वह सद्गुरु के मिलने पर ही शांत होती है। अब गुरु सद्गुरु में भेद क्या है ये समझने की जरूरत है। हमारा पहला गुरु है माता पिता, और माता पिता का अनंत उपकार है हमारे जीवन में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वे जीवन दाता हैं, जन्म दाता हैं, पालने पोसने वाले हैं, लिखाने पढ़ाने वाले हैं, योग्य बनाने वाले हैं। तो माता पिता तो गुरु, माता पिता गुरु हैं, उनका उपकार है। लेकिन माँ बाप जो गुरु हैं और जो सदगुरु हैं, सदगुरु को भी माँ कहा जाता है क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? निश्चित है कि माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, लिखाया पढ़ाया, लेकिन माता पिता हमें सीख किसकी देते हैं?
माता पिता सीख देते हैं संसारिकता की, मोह माया की, दुनियादारी की, और गुरु सीख देते हैं उस मोह माया से बाहर निकलने की। माता पिता उपकार होते हुए भी, उनका अपने कर्तव्य पालन करते हुए भी बंधन में बांधने का काम करते हैं, और गुरु बंधन से छुड़ाने का काम करते हैं। फर्क यहां इतना होता है। यदि पुत्र विरक्त होकर कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो जहां तक संभव होता है माता पिता रोकने की कोशिश करते हैं। मोहवश बिरले माता पिता होते होंगे जो पुत्र का उत्साह वर्धन करते होंगे। जब पुत्र संतारिकता छोड़कर वैराग्य के कल्याण के मार्ग में आता है तो माता पिता को दुख होता है और गुरु को दुख होता है जब शिष्य कल्याण मार्ग छोड़कर के संसार के मार्ग में जाता है। अंतर यहां है, जब पुत्र संतारिकता छोड़कर कल्याण मार्ग में जा रहा है, बंधन से मुक्ति के मार्ग में जा रहा है तो माता पिता को दुख हो रहा है, और गुरु को दुख कब हो रहा है जब शिष्य कल्याण मार्ग को मोक्ष के मार्ग को छोड़ करके बंधन के मार्ग में जा रहा है। कितना अंतर है दोनों में। मैंने कहा मां बाप को उपकार है, लेकिन होता क्या है, साहब ने कहा है जिस जंजाल फंसे पितु माता, जिस जंजाल में, जिस राग द्वेष में, जिस मोह माया में माता पिता खुद उलझे हुए हैं, बेटे को भी उसी जंजाल की ही सीख देते हैं। बिरले माता पिता होते होंगे जो कहते होंगे बेटा हम जंजाल में फंस गए, तुम इस जंजाल में मत फंसना, वो तो फंसाने का ही काम करेंगे क्योंकि उनका कर्तव्य है संतारिकता विहार में, लेकिन गुरु उससे निकालने वाले होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्या दान देने वाले जो शिक्षक होते हैं अध्यापक वे हमारे गुरु हैं और उनका बहुत उपकार है। गुरु न मिले होते विद्या देने वाले तो हमें भाषा का भी ज्ञान ना होता, अन्य और जो अनेक विषय हैं उन विषयों का ज्ञान ना हुआ होता। यदि विद्या दान देने वाले गुरु न मिलते तो नौकरी न मिलती और बहुत कुछ जीवन में अधूरापना रह जाता। लेकिन गुरु में और सद्गुरु में अंतर क्या है? विद्या दान देने वाले गुरु और ज्ञान दान देने वाले गुरु जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, अंतर क्या है? विद्या दान जिन्हें हम शिक्षक कह रहे हैं, हम यहाँ शिक्षक कह लें, शिक्षक में और सद्गुरु में, सद्गुरु के हम गुरु पर कर लें, दोनों में अंतर क्या है? शिक्षक ज्ञान देते हैं दुनिया का, बाहर का, गुरु ज्ञान देते हैं भीतर का, आत्मा का। शिक्षक जो विद्या दान देने वाले हैं बाहर दौड़ने की सीख देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं भीतर दौड़ने की सीख देते हैं। शिक्षक भीड़ में शामिल होने का ज्ञान देते हैं और गुरु उस भीड़ से अलग होकर अकेले होने का ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, शिक्षक ज्ञान देते हैं जीवन निर्वाह कैसे किया जाए इसका,
गुरु ज्ञान देते हैं जीवन सफल कैसे हो इसका। अंतर दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षक का उपकार है, लेकिन शिक्षक का सारा ज्ञान जो भी कुछ भी कह लो दुनियादारी का है। शिक्षक ज्ञान देते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, धनवान कैसे बना जाए। गुरु ज्ञान देते हैं कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए और जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। शिक्षक ज्ञान देते हैं दुनिया को कैसे बस में किया जाए। गुरु ज्ञान देते हैं कि मन को कैसे बस में किया जाए। शिक्षक ज्ञान देते हैं दुनिया पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। गुरु ज्ञान देते हैं आत्मा पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। अंतर एकदम है, स्पष्ट है। इसलिए आज की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा तो है ही, वो कहना चाहिए सद्गुरु पूर्णिमा है। असंख्य गुरु हैं जीवन में, मैंने कहा था, पता नहीं हमें किससे किससे क्या क्या सीखना पड़ा होगा और कहां कहां से हमें सीखा होगा, हमें मालूम भी नहीं है। जिसने हमें कुछ भी बताया, थोड़ी सी भी कुछ सही बात बताई, वो हमारा गुरु है। कहां कहां से हमने सीखा होगा, जो हम जानते हैं वो किसी एक से नहीं सीखा है, असंख्य लोगों से सीखा है। और सीखते 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 आज जीवन में थोड़ी बहुत कुछ एक पूर्णता का अनुभव हो रहा है अनुभव। लेकिन गुरु जिसे हम सदगुरु कहते हैं, जब वे मिल जाते हैं तो मन के सारे संदेह भ्रम दूर हो जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सदगुरु मिले तो जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। आदमी संदेह में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है, और संदेह और भ्रम मन की सारी शांति को खत्म कर देते हैं। जिसके भी मन में संदेह है किसी भी बात को लेकर, जिसके मन में किसी बात को लेकर भ्रम है, वह आदमी निर्भय होकर जीवन नहीं जी सकता है। और जिसके मन में निर्भयता ही नहीं है, वह आदमी सच्चे सुख का अनुभव कैसे करेगा। और सद्गुरु हमें निर्भय होने का ज्ञान देते हैं। जिन्हें भी सच्चे गुरु मिल गए सद्गुरु, और जिन्होंने उस गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लिया, उसके मन में कभी भी भय नहीं होता। लेकिन यह भी हमें याद रखना होगा, गुरु का उपकार तो है, लेकिन गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, साखी तो बहुत है उनके, लेकिन हमें सच्चे गुरु मिल गए हैं और हम गुरु के शिष्य हो गए हैं, इसकी पहचान क्या है, कैसे माने कि हम गुरु के शिष्य हैं। बाहर से तो शिष्य हैं, भीतर से भी गुरु शिष्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक पंक्ति सद्गुरु कबीर की, गुरु मिला तब जानिए
मिटा मोह संताप। गुरु मिल गए हैं, हम गुरु के शिष्य हो गए हैं। कब समझा जाए? जब हमारे मन का मोह मिट जाए। और मोह मिटा तो मन का संताप खत्म हो जाए। जरा भी पीड़ा है किसी बात को लेकर, मन में संताप हो रहा है, इसका मतलब है हमारा ज्ञान अधूरा है, हमने गुरु के ज्ञान को पूरा ग्रहण नहीं किया है। जब गुरु ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा तब कोई दुख होगा ही नहीं। गुरु के पास क्यों गए? दुख मिटाने के लिए। और दुख मिट नहीं रहा है। गुरु तो पूरे हैं, लेकिन हमने गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना सीखा नहीं अभी, इसलिए गुरु ज्ञान कब उतरेगा जीवन में? बातें भी आती है, हम गुरु के पास जब जाते हैं तो कुछ भेंट देते हैं गुरु को, कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं गुरु को पूजा के रूप में। वास्तविक दक्षिणा क्या है? गुरु को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट क्या है? और वह भेंट जिसे हम गुरु को दे दें तो जीवन में पूरी की पूरी शांति का अनुभव होने लग जाए। अब वो उसे देना क्या है? पूरा का पूरा गुरु और शिष्य दोनों की कसौटी बताते हुए सद्गुरु कबीर ने एक साखी कही है। शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस गुरु को दे। शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य कसौटी क्या है? कि अपना सब कुछ गुरु को अर्पित कर दे। लेकिन ये सब कुछ का अर्थ क्या है? इस सब कुछ का अर्थ समझना पड़ेगा। और सब कुछ अर्पित कराने वाले गुरु बहुत मिलते हैं। साहब भी कह रहे हैं कि शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ अर्पित कर दे, कुछ बचाए ना जरा भी। और जरा भी बचा कर रखेगा तो पूरा समर्पण नहीं होगा और जीवन का कल्याण नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ क्या है ये समझना होगा। जो अधूरे गुरु होते हैं इस पंक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं देखो कबीर साहब ने कहा है कि शिष्य ऐसा चाहिए सब कुछ सर्वत गुरु को दे, तो अपना शिष्य के धन दौलत सब कुछ अर्पित करवा लेते हैं। यहां अर्थ नहीं है। ठीक है, ये शिष्य कसौटी है। क्या है? कि गुरु को सब कुछ दे दे। लेकिन गुरु कसौटी क्या है? गुरु तो ऐसा चाहिए उनमें कछू ना ले। शिष्य चाहिए सब कुछ गुरु को दे दे, अब गुरु ऐसा चाहिए कि कुछ भी ना ले। तो है क्या वो? ये सब कुछ को देना और कुछ भी ना लेना, यहां अर्थ है। शिष्य का सब कुछ देना मतलब अपने मन में जितने भी विकार है, जीवन में जितने भी दोष है, दुर्गुण है, सब कुछ गुरु को चढ़ा दे कि आज मैं गुरु का शिष्य हो रहा हूं,
गुरु से मैं दीक्षा ले रहा हूँ, गुरु अपने जीवन गुरु समर्पित कर रहा हूँ, तो जितने अंदर में विकार हैं, दोष दुर्गुण, उसमें कुछ भी कह लो, सब कुछ गुरु को चढ़ा दे। लेकिन गुरु क्या है, सिद्ध चढ़ा रहा है, उन दो दुर्गुण से गुरु को चाहिए कि उसमें कुछ भी ना ले, दोनों कल्याण हो जाएगा। ये अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, इनको गुरु चढ़ाना ही वास्तविक दक्षिणा है। ये गुरु के लिए सच्ची भेंट है, सच्ची पूजा है। साहब ने एक पद में कहा है, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। तुम गुरु की शरण में गए हो तो मन के तामस का त्याग कर दो। तामस अंधकार, अविद्या, उत्तेजना, क्रोध, मोह, ये सब तामस में आते हैं। गुरु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और तामस जो कहते हो है, अज्ञान जो कहते हो, अंधकार जो कहते हो, उत्तेजना जो कहते हो, काम की वासना जो कहते हो, और एक शब्द में कहे तो गुरु को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट, जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सब अपने अपने गुरु की याद करते हैं, तो गुरु को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट क्या है, जिसको हम दे दें गुरु को तो हम भी गुरु जैसा बन जाए। गुरु के पास जाने का अर्थ है गुरु बनना, लेकिन गुरु बनने का अर्थ दिशा देने, मतलब महान बनना, श्रेष्ठ बनना। और श्रेष्ठता कब आएगी, जो हमारा जो धन है, खास धन, जिस धन को हम अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं सुरक्षित, उस धन को जब दे देंगे ना गुरु को, तो हम भी गुरु जैसा बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे। वो धन क्या है, जो हमें सबसे प्यारा है, एक बार जरा टटोलिए अपने मन को कि आपको सबसे प्यारा क्या है, जिसे हम और आप सब समय सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो है क्या। और उसको, अब यदि उसको गुरु को दे दिए तो आज इसी क्षण हमारा कल्याण हो सकता है। वो क्या है, अहंकार। आदमी को सबसे प्यारा भी है तो अपना अहंकार। न पत्नी उतनी प्यारी है, न पति, न बेटा, न माँ बाप, न कोई नहीं, सबसे प्यारा आदमी को है अपना अहंकार। और जब तक यह अहंकार नहीं गलेगा तब तक कुछ भी करने कल्याण होने वाला है नहीं, शांति मिलने वाला है नहीं। हम गुरु को पैसा दे सकते हैं, गुरु को कपड़ा भी दे देते हैं, गुरु को फल मिठाई भी दे देते हैं, गुरु को जमीन दे देते हैं, गुरु को मकान दे देते हैं, लेकिन अहंकार बचा कर रख लेते हैं। इसलिए जीवन अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। और जिस दिन हम अहंकार को अर्पित कर दिए, फिर उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना ना कान। तुम प्रेम रस भी चखना चाहते हो, कल्याण का, शांति का, आनंद का, परमानंद का रस चखना चाहते हो, और अपने मन में मान रखना चाहते हो, अहंकार रखना चाहते हो, तो एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना ना कान। साहब कहते, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी एक साथ में, एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी। और हम अहंकार भी रखना चाहते हैं मन में, और प्रेम रस चखना भी चाहते हैं, तो इस अहंकार को
अर्पित कर देना, अहंकार को चढ़ा देना गुरु के लिए, कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा, जीवन में गुरुत्व का उद्घाटन हो जाएगा। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, सबके भीतर गुरु बैठा हुआ है, सबके भीतर ये जो जीव है हृदय में, आत्मा है, हृदय निवासी, ये वास्तविक गुरु है, लेकिन हमें अपनी इस गुरुता का ज्ञान नहीं है। बाहर के गुरु हमारे भीतर के गुरु को जगाने का काम करते हैं। तो गुरु सबके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन दबा हुआ है, ढका हुआ है। अहंकार को जब हटा देते हैं तो गुरुत्व का उद्घाटन हो जाता है। जब गुरुत्व का उद्घाटन हो गया तब पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। मन की जो पीड़ा, जब तक अहंकार नहीं गलेगा, अहंकार का त्याग नहीं होगा, कहीं चले जाएं, कुछ भी पा जाएं, कुछ भी बन जाएं, न मन की पीड़ा मिटेगी, न मन की जलन मिटेगी, न भीतर के गुरु का अनुभव होगा। और जिसके मन में कोई अहंकार ही नहीं है, जिसने अपने मन के अहंकार को गला दिया, फिर पीड़ा और जलन के लिए वहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि गुरुत्व का उद्घाटन हो गया। गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ है गुरु बनना। गुरु बनने का अर्थ श्रेष्ठ बनना, महान बन जाना। वो श्रेष्ठता, वो महानता हर व्यक्ति में छिपी हुई है। अब कौन कितना उद्घाटन कर पाता है उसका, ये अलग बात है। गुरु उसी श्रेष्ठता महानता का उपदेश देते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है भारी, वजनदार, श्रेष्ठ, महान, और महान आत्मा ही है। ये जो सबके भीतर में, मेरे भीतर, आपके भीतर, प्राणी मात्र के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को आप जीव कहो, चेतन कहो, या अन्य शब्द से कहो, वही तो महान है। उससे महान भला और क्या कुछ हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि अरे जीव तो तुच्छ है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। जीव तुच्छ है तो महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर और परमात्मा को मानने वाला कौन है, उसकी कल्पना करने वाला कौन है? जीव ही तो है, अपने को भूल करके कर रहा है। जीव ना होता तब ईश्वर की कल्पना कौन करता, उसकी पूजा आराधना कौन करता? तो हर जीव महान है, हर जीव महान है, लेकिन उस महानता भूल गए। मैं कह रहा था कि साहब की बात, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संता। ये जो मोह है ना, यही बाधा है। इस मोह का आप अहंकार भी कह सकते, अहंकार है तो मोह है, मोह है तो अहंकार है। मन का संताप मिट जाना, और धीरे धीरे
गुरु के बताए रास्ते पर चलते चलते गुरु ज्ञान का जीवन में उपयोग करते करते मन में एक ऐसी दशा आ जाना जब किसी बात के लिए मन में हर्ष न हो और किसी बात के लिए मन में शोक न हो। हर्ष और शोक दोनों से ऊपर उठ जाना। अनुकूलताएं आएंगी जीवन में, प्रतिकूलताएं आएंगी, हानि होगी लाभ होगा, अपमान होगा सम्मान होगा, सब कुछ होगा। ज्ञानी के जीवन में, अज्ञानी के जीवन में, सबके जीवन में होना है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हर्ष और शोक से ऊपर उठ जाना, सम शांत रह जाना, मन का विचलित न होना, समझ जाना कि भीतर के गुरु का उद्घाटन हो गया है। हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। इस कबीर साहब की साखी का अंत है कि गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। न हर्ष न शोक, दोनों ऊपर की दशा, समता की स्थिति, आप गुरु बन गए, ये जीवन की पूर्णता है। गुरु पूर्णिमा आज पूर्णिमा है। गुरु ही, गुरु का अर्थ ही होता है जो पूर्ण हो, जिसे अपनी पूर्णता का ज्ञान है और जो पूर्णता पूर्णता में जी रहा है वही तो गुरु है। हमें अपनी पूर्णता का तो न तो ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है तो जीने की बात कहां होगी। बाहर से कुछ पा करके हमें पूर्ण नहीं होना है। हर जीव पूर्ण है, हर जीव पूर्ण है, कोई भी जीव अधूरा नहीं है। मौलिक रूप में हर जीव पूर्ण है, चाहे वो किसी शरीर में भी हो, लेकिन उसको उद्घाटन मनुष्य शरीर में होता है। तो अपने उस पूर्णता को जानकर उसमें जो जी रहा है वो गुरु है। और ऐसे जो पूर्ण गुरु है उसकी शरण में जाकर के हम भी अपने पूर्णता को जानकर पूर्ण हो सकते हैं। कोई दुखी रहने के लिए गुरु शरण में नहीं आता। हमारे मन में लोभ है। किसका लोभ है? दुनियादारी का, मोह माया का। जो आदमी संसारी कामना लेकर के गुरु की भक्ति करता है उसके मन में सदैव अधूरा पना ही रहेगा। और तमाम गुरु ऐसे हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, दुवा भभूत करने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या देने वाले हैं। भौतिक कामना लेकर जाने वाला शिष्य भटका हुआ है, और भौतिक वस्तुओं के लिए आशीर्वाद देने वाले जो गुरु हैं वो भी भटके हुए हैं।
गुरु शिष्य का जो व्यवहार है वो ज्ञान का दान प्रदान है, आत्मिक कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए नहीं होता है। मैंने शुरू में कहा था कि भौतिक ज्ञान के सीख तो शिक्षक देते हैं, जो भी भौतिक ज्ञान की शिक्षा दे रहे हों वो तो शिक्षक है, वो गुरु है, और शिक्षक को भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु का ज्ञान ऐसा है, आपको जो शिक्षक हैं वे शिक्षक आपको शिक्षक बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, व्यापारी बना सकते हैं, नेता बना सकते हैं, अफसर बना सकते हैं, लेकिन शिक्षक आपको कभी गुरु नहीं बना सकता। डॉक्टर आपको डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर आपको इंजीनियर बना देगा, वकील आपको वकील बना देगा, लेकिन गुरु नहीं बना सकते। आपको गुरु तो गुरु ही बनाएंगे, और बिना गुरु बने न मास्टर का दुख दूर होगा, न डॉक्टर का, न कलेक्टर का, न कमिश्नर का, न इंजीनियर का, न वकील का, न नेता का, न अफसर का। दुख उसका ही दूर होगा जो गुरु बनेगा। गुरु बनने का मतलब ज्ञान में जीवन जीना, संतोष में, समता में, आचरण में जीवन जीना, ये गुरु बनना है। और चाहे जो हो, सच्चे जो गुरु है, गुरु का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना किसी का जीवन पूरा नहीं हो सकता है, किसी जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का ज्ञान तो मानव मात्र को आवश्यक है। एक वकील है, उसे वकालत का अच्छा ज्ञान है और उसकी वकालत अच्छी चलती है, उसे जीवन निर्वाह हो जाता है, तो उसे डॉक्टरी करने की या किसानी करने की या व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। एक डॉक्टर है, डॉक्टरी का अच्छा ज्ञान है, उसकी डॉक्टरी अच्छा चलती है, तो उसे किसानी करने या वकालत करने या व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। एक कोई व्यापारी है, व्यापार का ज्ञान है, उसका व्यापार बढ़िया चलता है, तो उसे किसान बनने की या डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अन्य आप ले लीजिए, लेकिन गुरु ज्ञान की आवश्यकता, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता किसको नहीं है। उसके बिना किसी जीवन पूरा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, गुरु का महत्व है। हम गुरु महत्व समझे ना समझे, कि बिना गुरु के हमारा जीवन पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरेपन में हम जीते रह जाएंगे। सब कुछ तो है आदमी के पास, दुखी क्यों है? क्योंकि अभी गुरु नहीं मिला है, गुरु ज्ञान उतर नहीं रहा है जीवन में। और संतों ने बताया होगा, सुनते आए हैं आप, गुरु का अर्थ होता है निष्काम होना। जो भौतिक कामना करने वाले व्यक्ति हैं, गुरु का वेश उसका हो सकता है, साधु का वेश उसका हो सकता है। गुरु कौन? जो निष्काम हो, निर्मोह हो, अनासक्त हो, जो मिला है उसमें पूर्ण संतुष्ट हो, वह गुरु है। जिसके मन में भी कामना है, कामना किसी भी चीज की हो, जिसके भी मन में कामना है वह संसारी आदमी है।
हमारे वेश में है, साधु के वेश में है, धन की कामना है, मठ की कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, पद की कामना है, तो संसारिकता ही है वो प्रकार का। वेश क्या करेगा? तो जिसकी भी मन में कामना है या मोह है वो संसारी आदमी है, उसे वो दुख से बच नहीं सकता। और जिसका मन निष्काम है, अनासक्त है, पूर्ण निर्मोह है, वही संत है, वही गुरु है। और उसकी उपासना करके ही हम वैसा बन सकते हैं। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलहु कबीरा। सद्गुरु कबीर कहते हैं इस जीवन में, संसार में बहुत संकट है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, अब पता नहीं अनेक किस किस आदमी घिरा हुआ है। इसलिए करना क्या है, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठी मिलो कबीरा। ऐ लोगों, जहां धीर गंभीर निश्चल लोग हैं। धीर गंभीर कौन होगा? निष्काम, अनासक्त, वहां उठ करके मिलो। विनम्रता, उठ कर मिलना मतलब विनम्रता पूर्वक वहां उठ करके मिलो। ओके, सेवा किसी करनी है, किस गुरु की? साहब ने कहा है, तेही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के होहु सनाथा। उस गुरु के पास जाओ, उस संत के पास जाओ, जिसके पास जा करके दो दुख दो दुख को मिटा करके सनाथ हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। ये दो दुख क्या है? ये दो दुख हम जन्म मरण का दुख कह सकते हैं, इस दो दुख को हम राग और द्वेष का दुख कह सकते हैं, इस दो दुख को हम लोभ और मोह का दुख कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। कुल मिलाकर बात इतनी है, हमें ऐसे गुरु की खोज करनी है जो स्वयं कृतार्थ हो, सनाथ हो, निर्मोह हो, निष्काम हो, अनासक्त हो, जो शिष्यों से भौतिक कामना न रखता हो, शिष्यों से सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अध्यात्म का संबंध रखता हो, ऐसे गुरु के पास जाना है। और ऐसे गुरु के पास रह करके ही हम अपने कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब गुरु ही कहीं आधा अधूरा होगा तब करेंगे क्या? इसलिए साहब ने कहा, पूरा साहेब से ही ये सब विधि पूरा होए, ओछे तेने लगाए के मूलहूं आवे को। पूरा साहेब, ये पूरा साहेब कौन है? पूरा साहेब जिसके मन में पूर्णता है वो पूरा साहेब है, जिसके मन में संतोष है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है वो पूरा साहेब है। कामना आदमी को अधूरेपन का एहसास कराती है। अभी धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा, समझ जितनी बढ़ती जाएगी, ज्ञान जितना बढ़ता जाएगा, उस समझ और ज्ञान का जीवन में जितना हम प्रयोग करते जाएंगे उतनी हमारे जीवन में पूर्णता आती जाएगी। और जिस दिन उस समझ और ज्ञान का पूरा उपयोग हो गया, कामना मिट गई, पूर्णता का उद्घाटन हो गया, यही गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ होता है। ये तो हम लोग बाहर मनाते हैं तो एक छोटी सी बहाने सब इकट्ठे हो जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, कुछ ज्ञान का दान प्रदान हो जाता है, लेकिन इतने में रुक गए तो काम नहीं बनने वाला है।
ऐसा थोड़े है कि केवल गुरु को हम एक दिन याद करें बाकी दिन भूल जाएं। गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु को याद कब करें कब नहीं, गुरु को याद तो हर समय करें। जब जब हम गुरु को भूलते हैं तब तब जीवन में दुर्घटना आती है। गुरु को भूल कर, गुरु मतलब गुरु के ज्ञान को भूल करके ही हम राग में पड़ते हैं, द्वेष में पड़ते हैं, मोह माया में पड़ते हैं, गलत खाते पीते हैं, गलत देखते सुनते हैं, गलत काम करते हैं। जो भी गलत काम होता है गुरु को और गुरु के ज्ञान को भूल करके होता है। यदि हमेशा हमारे मन में गुरु का स्मरण होता रहे हर समय, कभी गलत काम कर रहे हैं कर पाएंगे? जब भी किसी कारणवश लोभ में पड़कर, उत्तेजना में पड़कर, मोह में पड़कर या किसी कारणवश जब भी आप कोई गलत काम करने जाएं, चाहे अकेले में चाहे भीड़ में, उसमें गुरु की याद कर लो। कोई भी गलत काम कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी, जब भी गलत काम कर रहे हो उसमें गुरु की याद कर लीजिए। आप काम नहीं कर पाओगे गलत काम को, रुक जाएगा जीवन आपका। अरे ये गलत काम करते हुए मेरे गुरु देख लेंगे मुझे तो कैसे हो पाएगा? क्या मुंह दिखाने लायक रहूंगा गुरु को? क्या गुरु भक्ति इसीलिए मैं कर रहा हूं? तो गुरु की याद तो हर जगह करना है, रखना है, हर समय करना है। सारे के सारे गलत काम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, गुरु को भुला करके ही किया जा सकता है। गुरु को एक और किनारे रख करके ही किया जाता है। तो एक समय गुरु की भक्ति कर लिए, एक दिन हम गुरु की पूजा कर लिए, आराधना कर ली, आरती वंदना कर लिए, उतने से हमारा काम नहीं बनेगा। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहा गया है। तो गुरु को सिर पर रखने का अर्थ क्या होता है? गुरु सिर पर रखिए, गुरु को सिर पर बैठाओगे कैसे? हमेशा न तो गुरु बैठ पाएगा, न चेला बैठा पाएगा। परेशान हो जाएगा, गुरु ही परेशान हो जाएगा। तो गुरु को सिर पर रखने मतलब क्या है? गुरु के ज्ञान को सिर पर रखना। गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो बोध दिया है, उसको सिर पर रखना। सिर पर रखने का मतलब याद करते रहना, चिंतन करते रहना, उसको मनन करते रहना। हमेशा गुरु के ज्ञान को मनन करते रह जाएं, हम चिंतन करते रह जाएं, कभी दुख होगा ही नहीं, कभी दुख नहीं होगा, कभी चिंता नहीं होगी। चिंता है मन में, तनाव है, मतलब इसका मतलब है गुरु को हमने भुला दिया है, गुरु को हमने छोड़ दिया है, तभी तो चिंता है। गुरु मन में हो तो चिंता के लिए गुंजाइश कैसे होगी? देखेंगे अरे यहां तो पहरेदार बैठा हुआ है। गुरु का ज्ञान हम पहरेदार है। आप गुरु ज्ञान मनन करते रहेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष चिंता ईर्ष्या तनाव कोई मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि पहरेदार बैठा हुआ है। लेकिन हम पहरेदार को हटा देते हैं। और इसीलिए भक्ति भी करते हैं, दुखी भी बने रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माई। कहीं कबीरता दास को तीन लोक भय नाए। जो गुरु के ज्ञान को मनन कर रहा है, गुरु ज्ञान का हमेशा स्मरण कर रहा है और गुरु ज्ञान के अनुसार से जीवन जी रहा है, साहब कहते हैं ऐसे शिष्य साधक को तीनों लोकों में भी कभी भय नहीं होगा, निर्भय हो जाएगा जीवन। ये मन का निर्भय हो जाना ये गुरु पूर्णिमा मनाने का फल होता है। निर्भय हो गया मन, गुरु जीवन में उतर गया, जीवन ही सार्थक हो गया।
यही कसौटी में हमें अपने आप को कसने की आवश्यकता है। हमें कसौटी में कस नहीं पाते अपने आप, मन पर बैठते हैं कह देते हैं। ये मंच का जो ज्ञान है, मंची ज्ञान काम नहीं आने वाला है। काम तो निरंतर का ज्ञान आएगा। वो जो कहानी है सब जानते हैं, कि जब लंका विजय के पश्चात राम सीता सबको लेकर के वापस अयोध्या आए, राम का दाह तिलक हो गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तब एक दिन सब बैठे रहे, तब ऐसे ही कुछ ऐसे बात कर रहे थे, पुरस्कार दे रहे थे सब लोग को। तो सीता ने भी सोचा कि मैं हनुमान को कुछ पुरस्कार दे दूं, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने पहली बार मुझे राम का संदेश दिया था और इन्होंने ही लंका जला करके मेरा उद्धार किया है, पुरस्कार दे दूं। तो कहते हैं सीता मोतियों की माला पहने हुए थे, उसको पकड़ करके राम को देखने लगे। राम ने कहा ठीक है दे दो हनुमान को। हनुमान बुला करके सीता ने उस मोती के माला को दे दिया। मोती माला जब हनुमान को मिला तो हनुमान दांत से काट काट कर मोती को देखने लगे, वो फेंकते फेंकते गए फेंकते गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता सीता ने ये दिया है मोती का माला, मोती के माला, इतना मूल्यवान मोती, इसको हनुमान कैसे, आखिर है तो बानर का बानर, कहानी का साथ बता रहा हूँ मैं। अब बानर को कहाँ इतनी समझ होगी, अकल, ये बानर बंदर क्या जाने, अदरक का सवाल कहते हैं ना, बात वही है, अदरक सवाल। मोती माला को काट कर फेंकने लग गए, लोगों आश्चर्य हुआ, एक तो माता सीता ने दिया, ये तो सीता माता का अपमान करना हुआ। तो पूछा हनुमान ने, हनुमान एक मोतियों को दांत से काट कर फेंक क्यों रहे हो? हनुमान ने कहा देख रहा हूं इसमें सीता और राम है या नहीं है, किसी मोती में सीता राम नहीं मिल रहा है, तो मैं जिसमें सीता राम ना हो तो मुझे मूल्य क्या है, वो सब मेरे लिए बेकार है। किसी ने कहा सर तुम कहते हो जिसमें सीताराम ना हो वो मूल्य बेकार है, क्या तुम्हारे शरीर में सीताराम है? हाँ है। कहानी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे चित्र है हनुमान का, कहीं चित्र ऐसे छाती को फाड़ते हैं वहां सीता और राम मिलते हैं, ऐसा होता नहीं है, कहानी बता रहा हूं। इसका मतलब यह है क्या उसी प्रकार से जैसे हनुमान ने अपनी छाती फाड़कर दिखाया देखो मेरे यहाँ भीतर में सीता और राम उपस्थित हैं, क्या ऐसे ही यही हमारे हृदय में क्या गुरु ज्ञान है क्या? वो रोम रोम में कहते हैं ना, क्या सचमुच हमारा गुरु ज्ञान है? यदि वो हो जाएगा ना तो हम खुद गुरु बन जाएंगे, गुरु पूर्णिमा सार्थक हो जाएगी, फिर कोई दुखी नहीं रह जाएगा। तो गुरु के सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, अर्थ यही है। कहें कबीर दास को तीन लोक भय ना है, गुरु के सिर पर रख करके गुरु ज्ञान का हमेशा मनन करते रह जाएं और गुरु ने उपदेश दिया है उसी रास्ते पर चलते रह जाएं तो कहीं भय नहीं होगा, पूर्णता का एहसास हो जाएगा। अब पूर्णता ही गुरुत्व तो है, पूर्णता जीव का स्वभाव है। उस पूर्णता में जीने के लिए, अपने आप को पहचान करके आत्मस्थित होने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। और जिस दिन हमें पूर्ण आत्मबोध हो गया निर्वाण, उस आत्मबोध के अनुसार से आत्मशोधन का काम करने करके मन पूर्णता का एहसास करने लग गया, हर समय शांति संतोष निर्भयता है, बस हमारे भीतर का गुरु उद्घाटित हो गया। अब भीतर गुरु उद्घाटित हो गया तो सब दुख खत्म हो गया। इसी के लिए हर साल हम लोग एकत्र होते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि दुनियादारी है, जीवन है, जीवन का निर्वाह है, काम धंधे हैं,
ये सब करते करते मन में मैल जम जाता है, अनेक प्रकार के कीचड़ कालिख मन में आ जाते हैं। तो कम से कम एक दिन इकट्ठे होकर गुरु के उपकार का मनन करें, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भावना कृतज्ञता व्यक्त करें, और जो मन में मैल आ गए हैं, मन में जो कीचड़ आ गए कालिख आ गए हैं, इसको फिर से धो करके फिर से एक वेग आ जाए जीवन में, इसी के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, एकत्र होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का मनन करें, गुरु के स्मरण करें, गुरु ने जो ज्ञान दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और एक फिर से संकल्प लें कि मैं रास्ता जो भटक गया था, गुरु ज्ञान से मेरा मन विमुख होने लग गया था, अब आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं, मेरे गुरु ने मुझे जो रास्ता बताया है, जो उपदेश दिया है, उसी उपदेश पर, उसी रास्ते पर मैं जी जान से चलूंगा, और इसी जीवन में ऐसा, इस जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस काम से मेरे और मेरे गुरु की बदनामी हो। किंतु आज के बाद जीवन को मैं इस ढंग से जीऊंगा कि मेरे जीवन के व्यवहार को आचरण देकर के भी कि देखो अमुक का शिष्य कैसा जीवन जी रहा है, और जिस दिन हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे कर्मों को देख करके हमारे गुरु की लोग प्रशंसा करने लग जाए, समझना गुरु जीवन में है, गुरु पूर्णिमा में हमारा मनाना सार्थक हो जाएगा। यह संकल्प हमें लेना है, और यह संकल्प लेना, ऐसा जीवन जीना ही, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण अर्पित करना है, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम और आप सभी एकत्र हुए हैं, इस संकल्प के साथ गुरु को अपने जीवन में उतार कर, अपने साथ में रख करके, उस मार्ग में चल करके इस जीवन का मैं कृतार्थ करूंगा और अपने गुरु के नाम को उजागर करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही गुरु पूर्णिमा मनाना होगा। इन्हें और इसी मार्ग में चल करके सबके सब आत्म शांति आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और गुरुदेव और सदगुरु के चरणों में सदा समय अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही माझी तू ही खिवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। इसी जन्म में सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही माझी तू ही खिवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, एक छोटी सी अरदास गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिना माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिना माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, बस थामे रहना हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर। अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मन ने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान। मन ने की कर ले रे, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। तन छोटे मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छोटे मन कहाँ रहेगा। आखिर तुमको कौन कहेगा, आखिर तुमको कौन कहेगा। गुरु बिनया तम ज्ञान, मन ने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान। मन ने की कर ले रे, भाई भतीजा कुटुम कबीला। दो दिन का तन मन का मेला, भाई भतीजा कुटुम कबीला। दो दिन का तन मन का मेला। अंतकाल तू चला अकेला, अंतकाल तू चला अकेला। तज माया मंडान, मन ने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान। मन ने की कर ले रे, कौन है साहब साचा जाना। झूठा है या सकल जहाना, कौन है साहब साचा जाना। झूठा है या सकल जहाना, कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना। कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना, क्या बसती का नाम। मन ने की
कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे। पुरुष भाई इधर से शुरू करें आना, भगत लोग जो हैं इधर से आना शुरू करें, संतों का हो गया, माताएं अभी रुकेंगी दो मिनट। रहट माल पन घट जो फिरता आता जाता भरता रेता, रहट माल पन घट जो फिरता आता जाता भरता रेता, युगन युगन तू मरता जीता, युगन युगन तू मरता जीता, मत करना अभिमान मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे। हिल मिल रहना देके खाना ने की बात सिखावत रहना, हिल मिल रहना देके खाना ने की बात सिखावत रहना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जपना सदगुरु ज्ञान मनने के कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने के कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शारदा देवी आए और अगर एक भजन कहें। आरती हो गुरु, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब, आरती हो, साधो सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो, आरती करूं सदे गुरु साहेब की, आरती करूं सदे साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो, साधो जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब, आरती हो,
संतो टूट गयो या मुजाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख परकास साहेब आरती हो संतो भयो परख परकास साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो अधिकम तत्त्वम ना गुरु अधिकम तपा गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरु पत्रम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु परम। सब लोग बैठ जाइए। बंदो सन मुख पार की शीश भेंट धरी हाथ बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु अभिलाष साहेब की जय साहेब बंदगी।